दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके मारो ट्रिक पर। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान, जो कि राजस्थान कांस्टेबल भर्ती के गए पेपर में पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। तो उन्हीं का मैं एक वीडियो बना के लाया हूँ आपके सामने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप राजस्थान जीके ट्रिक से पढ़ना चाहते हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान सामान्य ज्ञान, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वन धन योजना के तहत उभरते राज्य का प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? ए ऑप्शन झारखंड, बी छत्तीसगढ़, या सी राजस्थान, या मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर है वो सी नंबर है, राजस्थान जिले को वन धन योजना के तहत उभरते राज्य का प्रथम पुरस्कार दिया गया था राजस्थान जिले। जहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में बापू अमृत महोत्सव वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई? जैसलमेर, चूरू, जयपुर, या बीकानेर। तो आपका आंसर है वो ए नंबर सही है, जैसलमेर से राजस्थान में बापू अमृत महोत्सव वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी जैसलमेर जिले से। इस संघ का उद्घाटन कब किया गया था? 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 31 मार्च 1948, या 1 अप्रैल 1948। तो आपका राइट आंसर है वो दोस्तों ए नंबर ऑप्शन सही है आपका, 18 मार्च 1948। दोस्तों ये परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? 18 मार्च 1948। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1920, 1921, 1922, या 1923। तो आपका राइट आंसर है वो भी ऑप्शन सही है, 1921 में नीमड़ा हत्याकांड हुआ था। भील किस देवी देवता की चढ़ाई गई केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं? ए ऑप्शन महादेव, शिवजी, हनुमान, दुर्गा माँ, या ऋषभ देव काला जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो डी ऑप्शन सही है, ऋषभ देव काला जी। भील देवी देवता की चढ़ाई गई केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। क्या पहना जाता है दोस्तों, लटाट पर, गले में, कमर पर, या कलाई पर? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कमर पर पहना जाता है ये आभूषण। मी राजस्थान की प्रथम बोली कौन सी है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, या बागड़ी, या शेखावटी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वह ए ऑप्शन सही है, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। चालिया महोत्सव किस समाज द्वारा मनाया जाता है? ए ऑप्शन सिख समाज, बी सिद्धी समाज, या मुस्लिम, और डी ऑप्शन है जैन समाज। तो आपका राइट आंसर है वो दोस्तों बी ऑप्शन सही है, सिद्धी समाज में चालिया महोत्सव समाज द्वारा मनाया जाता है। सिद्धी समाज द्वारा चालिया महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों। यह परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, यह परीक्षा की दृष्टि से अभी भी मोस्ट है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री नाथ जी की प्रतिमा किस मुगल शासक के काल में राजस्थान लाई गई थी? ये ऑप्शन औरंगजेब, शाहजहाँ, अकबर, या जहांगीर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो औरंगजेब के द्वारा श्री नाथ जी की प्रतिमा मुगल शासक के काल में राजस्थान में लाई गई थी, औरंगजेब के मुगल शासक काल में। प्राचीन तांत्रिक शक्ति पीठ सुधा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसमें ये ऑप्शन है जालौर जिले में इसका मंदिर स्थित है। किसका मंदिर स्थित है? प्राचीन तांत्रिक शक्ति पीठ सुधा माता का मंदिर है वो जालौर जिले में स्थित है। जांगल प्रदेश बीकानेर में राठौड़ राजवंश के शासक के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन राव जोधा, बी ऑप्शन राव लूणकर, सी ऑप्शन है राव बीका, या डी राव जैतिस। तो इसका राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी ऑप्शन सही है, राव बीका इसका राइट आंसर है। जांगल प्रदेश बीकानेर के राठौड़ राजवंश के शासक पद कौन थे?
राव बिका थे। राणा कुंभा की हत्या हुई थी कुंभलगढ़ में, नांगदा में, चित्तौड़गढ़ में या अचलगढ़ में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कुंभलगढ़ में राणा कुंभा की हत्या हुई थी। तो दोस्तों ये परीक्षा में पूछा जा चुका है 3-4 बार ये क्वेश्चन, तो ये याद रखिए राणा कुंभा की हत्या हुई थी, तो कुंभलगढ़ में हुई थी राणा कुंभा की हत्या। डबोक हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में अव्यवस्थित है, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर या डी अजमेर जिले में। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों वो सी ऑप्शन सही है, उदयपुर जिले में डबोक हवाई अड्डा राजस्थान जिले में अव्यवस्थित है, उदयपुर जिले में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंस्थान केंद्र कहाँ स्थित है, जोधपुर, कोटा, जैसलमेर। यह बीकानेर दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है वो बीकानेर जिले में स्थित है, ऊंट अनुसंस्थान केंद्र बीकानेर जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना। पहला ऑप्शन है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, बिठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना, मोकला पवन ऊर्जा परियोजना। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों वो अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है। राजस्थान की पहली बार पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में असन खा मेवाती पेरोनमा का शुभारंभ किया गया था, कोटा, टोंक, अलवर या पाली जिले में। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 सही है, अलवर जिले में राजस्थान के असन खा मेवाती पेरोनमा की शुभारंभ किया था। भगत आंदोलन किसने चलाया था, राजस्थान सेवा संघ, बोगी पांड्या, बुरेलाल भैया, गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर डी सही है, गुरु गोविंद सिंह ने भगत आंदोलन चलाया था। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो एक कवि भी थे, गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी या तेजा जी। तो इसका राइट ऑप्शन है रामदेव जी, जो राजस्थान के एकमात्र लोक देवता और कवि भी थे। मध्यकालीन राजस्थान में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था, नागौर, सांभर, बयाना या सांगानेर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, बयाना मध्यकालीन राजस्थान में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई थी, 18 दिसंबर 2019, 18 नवंबर 2019, 18 मार्च 2019, 18 अप्रैल 2019। तो इसका राइट ऑप्शन है 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि का योजना का प्रारंभ किया गया था, 18 दिसंबर 2019। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।